देखो डायोड के बारे में हमने डायोड में ये पढ़ लिया था कि अगर पी टाइप और एन टाइप से यानी कि सेमीकंडक्टर को अगर जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक डायोड बन जाएगा। यानी कि उस केस में वो क्या होगा, पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, डायोड। तो यहाँ पे या फिर पीएन जंक्शन डायोड, डायोड बोल दो या पीएन जंक्शन डायोड बोल दो, अगर हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ेंगे तो कुछ एक होल, फ्री होल, और ये क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन होल में चले जाएंगे तो आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक क्या हो जाती है, लेयर, डिप्लीशन लेयर बोल दो या फिर पोटेंशियल बैरियर बोल दो। तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। इसकी थिकनेस क्या होती है, 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर ऑर्डर की होती है। ये इसका सिंबल फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, पी टाइप से पॉजिटिव प्लेट, एन टाइप से नेगेटिव प्लेट। इस केस में अगर आप ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यहाँ पे अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद स्टार्टिंग में तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। फिर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो उस केस में डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो टूट जाएगी। यानी कि फिर इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या हो जाएंगे, इसमें घुसना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि टूट जाएगी तो करंट चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो करंट चलना शुरू होगा तो उस टाइम पे एक ऐसी वोल्टेज जिस पे ये डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी, उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। और उसके बाद करंट इनफाइनाइट पर चलेगा और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इसको इधर खींचेंगे तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। तो उसको वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो वो होती है वो 1000 के ऑर्डर की होती है, ठीक है। तो यानी कि उस केस में टूट जाए तो करंट चलेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज 1000 से ज़्यादा करोगे तो उसके बाद रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा इसका और करंट इनफाइनाइट चलता है। ये इसका ग्राफ बना रखा है आई वर्सेज वी का, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस में ऐसे बनता है नी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज 0.6, ये क्या हो जाएगी 0.6, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो करंट बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो यानी कि यहाँ पे टेंजेंट थीटा जो होगा वो क्या देगा आपको, 1/r, स्लोप इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/r। इसमें रिवर्स बायस के केस में ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगी यहाँ पे 1000 वोल्ट, उसके बाद करंट इन्फाइनाइट चलेगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ये कंबाइन ग्राफ बना रखा है, इसमें स्टार्टिंग में करंट ना के बराबर चलता है, माइक्रो एम्पियर में चलता है, तो जीरो भी कह सकते हो, पूछ ही लिया तो ना के बराबर चलता है। ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिए थे। अब देखो टाइप्स ऑफ डायोड, कई बार क्या होता है कि इनके ऊपर थ्योरेटिकली बेस्ड क्वेश्चन, तो डायोड जो स्टार्टिंग में बताया उस पर बनेगा, और क्वेश्चन डायोड पे, जीनर डायोड पे बनते हैं, ठीक है। इन पे थ्योरेटिकली डायोड है, इन्फॉर्मेशन बेस है कि फोटोडायोड होता क्या है, ये रिवर्स बायस पे काम करता है या फॉरवर्ड बायस पे, इसके यूजेज क्या है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके ऊपर, क्वेश्चंस नहीं आते उनके ऊपर, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने, मैंने बताया था कि डायोड उन्हें एक नई चीज़ जो मिलेगी, उन्होंने क्या देखा कि जो डिप्लीशन लेयर, इसको ये हमेशा फोटोडायोड जो है एक डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे फोटोडायोड इज ऑलवेज रिवर्स बायस, रिवर्स बायस के केस में ही यू काम करता है फोटोडायोड, ठीक है। तो ये पूछ लेता कि फोटोडायोड जो है कैसे काम करता है, रिवर्स में या फॉरवर्ड में, तो रिवर्स बायस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो फोटोन डालोगे इसके ऊपर डिप्लीशन लेयर पे, तो वो क्या हो जाएंगे, एक ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उनसे क्या हो जाते हैं, बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इस पे फोटोन डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कुछ ना कुछ करंट चल पड़ता है। तो यानी कि बाहर से हमने एनर्जी, देखो हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमने क्या देने पड़ते हैं, फोटोन डालने पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्साइट होकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर घुसे हुए हैं, फोटोन डालने पर वो क्या हो जाते हैं, बाहर आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है डिप्लीशन लेयर में से। तो यानी कि वो थोड़ा बहुत करंट इसमें चल पड़ता है। तो यानी कि फोटोडायोड एक ऐसा डिवाइस है, डिटेल में नहीं है कि कैसे काम करता है, ऐसा क्या होता है इसमें, तो आगे वो पढ़ दोगे हायर क्लासेस में, तो उसमें ये अच्छे से। तो क्या हो गया कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज क्या होता है इसका, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ये हमेशा रिवर्स बायस के केस में अप्लाइड वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसकी अप्लाइड वोल्टेज जो होगी वो कम ही होती है लेस ब्रेकडाउन वोल्टेज से, ठीक है। तो इस केस में सिंबल इसका ये होगा, मतलब ये ऐसा ना बना के ऐसा सिंबल होगा।
तो ये इसके यूज होते हैं डिमोडुलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। जैसे कम्युनिकेशन एक चैप्टर था, अभी तो हटा दिया कि सिग्नल्स को यहाँ से यहाँ दूसरी जगह कैसे चले जाते हैं। हम फोन पे बात करते हैं तो कैसे बातें जो हैं, कैसे सिग्नल्स मिलते हैं, तो उसमें इसका यूज होता है। लॉजिक सर्किट्स आगे अभी पढ़ेंगे, उनमें इसका यूज होता है। और रीडिंग ऑफ हार्ड ड्राइव एंड टेप्स, जो हार्ड ड्राइव्स और टेप्स हम यूज करते हैं उसमें डाटा डालते हैं, तो उनको रीड करने में भी इसका हेल्प होती है। ठीक है, एक आती है लाइट इमिटिंग डायोड। इट कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इट ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। हम देखो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होगी, जैसे हम इस केस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो हम फोटोन डालते थे, अब इलेक्ट्रॉन्स को डालने के लिए एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इस केस में इस तरीके से, जैसे वो नहीं होती लेजर लाइट नहीं होती, उस तरीके से काम करता है, लाइट निकलती है इसमें। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, यानी कि बाहर निकालने निकलेंगे। अगर हम मान लो कि हम अंदर उनको बाहर निकालने तो एनर्जी देते हैं, ये ऐसा सोच सकते हो बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी इमिट करते हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही यूज होता है। जैसे हम मान लो कि वो देखते हैं तो उसके ऊपर डालते हैं, तो ये इसका सिंबल हो गया, इसमें से बाहर निकलती है। ऑप्टिकल माउस इज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो माउस नहीं होता, अगर हम हार्ड टेकते हैं तो उसके ऊपर लाइट जलनी शुरू हो जाती है। आपने कभी भी माउस जनरली रखा होता है, मान लो कंप्यूटर के साथ अटैच है, आप उसको उठा के देखोगे नीचे लाइट जलती रहती है रेड रेड, तो उसमें यही लिखा होता है, लाइट इमिटिंग डायोड यूज होता है उसमें, ताकि वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए यानी कि लाइट इमिट करता रहता है। दूसरा इसमें पिक्चर्स एंड डिस्प्ले, पिक्चर हम देखते हैं लाइट डालते हैं, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह तो लाइट डालते हैं तो वो क्या होती है, पिक्चर और डिस्प्ले हमें क्लियर हो जाती है। दूसरा इसमें लेजर लाइट जो होगी वो होगी ऐसे डलती हैं, जो कोई भी बंदा सामने है उसके ऊपर लेजर लाइट जल जाती है। एक रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल में इसका यूज होता है, बर्गलर अलार्म सिस्टम। जैसे मान लो कि कई जगह पे आप जाओगे तो वहाँ इतनी सिक्योरिटी होती है कि कोई भी अनजान बंदा मान लो उस चीज़ को उठाना चाहेगा तो अलार्म बनना शुरू हो जाती है। तो विदेशों में ये ज़्यादा यूज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग वगैरह इतना लगाते नहीं, वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि हाँ, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि मान लो कोई हीरा चुरा रहा है तो वो बजना शुरू हो जाती है, तो वो बर्गलर अलार्म उसमें यही होता है, यहाँ से कोई चीज़ डाली वो इमिट करना शुरू कर देगी लाइटें, तो अलार्म बजना शुरू हो जाती है। दूसरा इसमें इन कैलकुलेटर एंड डिजिटल वॉच फ्रॉम न्यूमेरिकल डिस्प्ले, तो ये क्या करते हैं, कैलकुलेटर नहीं होता और डिजिटल वॉच जिसमें हमें दिखाई देता है, तो उसमें भी वो दिखाई कैसे देता है, वो इसी की वजह से, उसमें लाइट इमिटिंग डायोड यूज होता है, लाइट निकलती है तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, मतलब इसका मेन याद करना है कि ये यूज क्या है, इसका काम क्या है, ये फॉरवर्ड में जुड़ता है, रिवर्स में इसका सिंबल और इसके यूजेस। एक होता है सोलर डायोड, ये तो आपको पता ही है, सोलर सिस्टम करते रहते हैं। तो सोलर डायोड ये क्या करता है, पिन यानी कि डायरेक्टली अब्जॉर्ब रेडिएशन, सन से रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि सन से अब्जॉर्ब करेगा और वो प्लेट्स होती हैं उनका एरिया, वो लाइट्स को क्या खींचती हैं और उसको अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि इट इज़ ए पीएन जंक्शन डायोड विच डायरेक्टली अब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट ऑलवेज रिवर्स बायस में जुड़ते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, इससे बनी होती है सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड की, जो सोलर सिस्टम में होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉर चेंजिंग स्टोरेज बैटरी इन डे टाइम, यानी कि डे टाइम में तो ये क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर रात को अगर मान लो लाइट नहीं है तो ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में करती है, यानी कि विच कैन सप्लाई द पावर इन नाइट टाइम, क्योंकि अगर मान लो सन की रेज नहीं आ रही तो वो क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है अपने अंदर। जब भी आपने देखा हो कि जो सड़कों पे लाइट वगैरह लगी होती हैं सिग्नल से लाइट, वो जलती रहती है हमेशा, तो वो इसी की वजह से होता है, यानी कि वहाँ पे उसके अंदर सोलर सिस्टम लगा होता है कुछ ऐसा, वो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और वो रात के टाइम पे वो क्या करते हैं, इमिट कर देते हैं। मान लो कि धूप निकली नहीं तो फिर कैसे करेंगे, तो वो ऑब्जर्व होती है उनके अंदर, तो वो कुछ ना कुछ इमिट करती रहती हैं। तो यानी कि सोलर डायोड आर यूज इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन साइड सैटेलाइट, सैटेलाइट भी उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड में, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है उसको, ताकि चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। ऐसे तो वायर कितनी भी जोड़ेंगे, अगर मान लो कोई भी हम भेजते हैं मान लो, तो उस केस में उसमें इसका यूज होता है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट जो बनाते हैं तो अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं तो उनको एनर्जी चाहेगी, उसमें क्या लगा देते हैं, सोलर सिस्टम, तो एनर्जी लेगा सन से और वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
ये इट यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर इन रिमोट एरिया। जैसे मान लो कि सरकार रिमोट एरिया का मतलब मान लो सरकार को बोट चाहिए और वहाँ पे कोई ऐसे एरिया है जो रूरल एरिया रिमोट एरिया यानी कि जहाँ पे लो कास्ट या फिर गरीब लोग रहते हैं, तो वो क्या करेंगे वहाँ पे जमीन लेके सोलर से अपने पैनल लगवा दो तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, तो वो बदले में उसको क्या दे देंगे, तो उसमें इसका यूज़ कर देते हैं। यूज टू पावर ट्रैफिक सिग्नल, जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें भी इनका यूज होता है, वो लाइट एनर्जी लेता है, रात को भी चलती रहती है ताकि बिजली का कम से कम खर्चा आए। अगर सारी चीज़ ऐसे हो, मान लो ये सोलर सिस्टम ना होता तो और ज़्यादा, क्योंकि अब घरों में भी लगना शुरू होगी तो इलेक्ट्रिसिटी उनकी बचती है, और मान लो कि वो घरों में कोई भी लगवाता है बची हुई इलेक्ट्रिसिटी आप सरकार को दे सकते हो, बदले में पैसे मिलेंगे, ऐसा भी होता है। तो यानी कि ये क्या करता है, सोलर डायोड डायरेक्ट लेता है, अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि ये क्या कर देता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अब मेन है जीना डायोड, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जीना डायोड पे। आपने कभी भी देखा हो कि जो टीवी वगैरह है, टीवी जो है मान लो लाइट डिम हो जाती है, मान लो आपने नहीं देखा होगा, तो हमने तो देखा है कि लाइट डिम होने के बाद भी टीवी चलता रहता है, ऐसा हुआ है कि मान लो आप करके देख लेना कभी भी लाइट मान लो डिम हो जाए, या फिर आप अपने घर में ऐसा कर लेना कि वो लाइट डिम आ जाए, फ्यूज वगैरह ऐसे निकाल के देख, टीवी फिर भी चलेगा और बाकी सारे इलेक्ट्रिकल आइटम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बट टीवी चलता रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टीवी जो है वो 120 वोल्ट पे काम करता है और उसमें जीना डायोड का यूज होता है। टीवी क्या होता है, 120 वोल्ट पे यूज होता है, चलता हुआ मान लो कि 220 वोल्ट है फिर तो चलेगा ही चलेगा, मान लो वो लेता ही इतनी है फिर जो, और उस केस में उससे कम भी होगी मान लो 150 होगी और तो बंद हो जाएंगे, मान लो एसी चल रहा हो तो बंद हो जाएगा, तो टीवी फिर भी चलता रहता है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड बोलोगे तो 1000 है, मान लो कि स्टैंडर्ड अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज वो क्या होगी 1000 होगी, हम उसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा की जा सकती है किसी भी डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज, कुछ में इस तरीके से डोपिंग कर दी कि वो क्या हो जाए कम हो सकती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। जनरली अगर पूछा गया रिवर्स बायस में तो 1000 लिखा गया, बट उस केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें मान लो कि किसी भी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल आइटम, मान लो कि कैमरा वगैरह है, उसमें एक ऐसा मतलब सॉफ्ट है, सॉफ्ट चीज़ है, तो उस केस में उसको मान लो कम चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, क्या चाहिए कम चाहिए, तो उस केस में क्या जोड़ देंगे, कोई ऐसा डायोड जोड़ देंगे जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगी, तो उसको उसके पैरेलल में जोड़ देंगे, तो उस केस में जिस उसके अक्रॉस जो होगी डायोड के अक्रॉस वही इसके अक्रॉस हो जाएगी क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो उसको कम इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, समझ में आ गया। तो उस केस में जैसे स्टेबलाइजर आप जोड़ते हैं तो ज़्यादा भी आ जाती तो भी ये क्या हो जाता है, एसी खराब नहीं होता, तो यानी कि क्या हो जाता है, इसी तरीके से जोड़ा जाता है कि ये क्या कर दे, जितनी इसके क्रॉस होगी उतनी उसके क्रॉस, तो ये कम ज़्यादा अपने आप कर देता है, बंद कर देगा उसको। तो सेम यानी कि जीनर डायोड के अक्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जीनर डायोड की अगर बात करें तो इस ये क्या करता है, जीनर डायोड को अगर किसी मान लो जीनर डायोड एक ऐसा डायोड साइंटिस्ट लोगों ने बना दिया कि उस केस में कि ऐसा डायोड जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक ऐसा डायोड कि 220 वोल्ट है और फिर भी करंट हमें कम चाहिए तो भी चल सकता है, मतलब फिक्स कर दिया और उसके पैरेलल में कुछ जोड़ोगे उसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो यानी कि इससे उन्होंने एक नई चीज़ मिल गई कि ऐसा भी किया जा सकता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐसे डोपिंग करके एक ऐसी चीज़ मिल गई कि उस केस में मान लो कि सोचा जाए कि टीवी फिर भी चलता रहता है, तो ऐसा क्या होता है उसमें कि टीवी क्यों चलता रहता है लाइट कम होने की वजह से बाद भी, तो उसमें ऐसा क्या होता है कि उसमें जीनर डायोड टीवी के पैरेलल में जीनर डायोड जोड़ा जाता है, क्योंकि जो जीनर डायोड के अक्रॉस होगी वही क्या हो जाएगी उसके अक्रॉस भी। तो इस केस में क्या होता है, इट इज़ सप्लाई कॉन्स्टेंट वोल्टेज, ऐसा वो मिल गया कि एक कांस्टेंट वोल्टेज ही सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो आप जोड़ोगे तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगी तो उसकी ग्रोथ भी कम ज़्यादा हो जाएगी, तो एक ऐसा चीज़ मिल गई साइंटिस्ट लोगों को कि इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रह रही है और उसके पैरेलल में कोई चीज़ जोड़ोगे तो उसकी वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि एक नई चीज़ मिल गई जिससे बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही थी कि बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो इस केस में इट इज़ ऑलवेज रिवर्स बायस में ही काम करता है जीनर डायोड में। अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो इसके अक्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज की वोल्टेज तो हम अपने अनुसार ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी कुछ ना कुछ जिन्हें डायोड की, और जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी, ठीक है, हमेशा क्या होगी मान लो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 है तो अप्लाइड वोल्टेज 120 होगी, 200 होगी, 200 होगी, इस तरीके से होगी, जो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी उससे ज़्यादा ही होगी अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, इसका सिंबल ही होता है, बराबर पे भी कर जाएगा बट ज़्यादा भी होगी कम नहीं होगी उसके केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, सिंबल इसका ये होता है, ठीक है, मान लो कि जब हम डायोड का जो बना रहे थे,
उसी में क्या करना है आपको, डायोड कैसे बना रहे थे बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड का, तो इसी को ऐसे था, इसी को ऐसे करना है बस। ये क्या बन जाएगा, जीना डायोड बन जाएगा आपके पास। अब देखो इसमें है क्या, ऐसा क्या है, पहले क्वेश्चन समझो आप में, फिर समझते वो टीवी वाला कंसेप्ट भी क्या है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में इसकी, ये जीना डायोड बना दिया, इसकी जो ये वोल्टेज लिखी हुई है ये इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इससे ज़्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस नहीं हो सकती। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर पहले तो ऐसा था कि मान लो आपने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जोड़ दिए, कैपेसिटेंस जोड़ दिए, इसकी वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है, इसकी क्या है 200, तो इसके अक्रॉस जो होगी V1, ये मान लो R1 है, ये क्या है R2, इसके अक्रॉस जो होगी V2, उन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, ये ऐसा था। तो सेम यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस में दो चीज़ें जुड़ी हैं, इसके अक्रॉस तो दे दी 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस तो 20 वोल्ट दे दी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका 0। अगर मान लो ये नहीं होता, ये रेजिस्टेंस ना होता, ये रेजिस्टेंस अगर ना होता तो करंट इनफाइनाइट चलता, शॉर्ट सर्किट हो जाता डायरेक्ट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो 0 हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका 0, इसकी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कर रखी है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है उसके बाद 0 हो जाता है, करंट इनफाइनाइट चलता है, तो ये ना होता तो करंट क्या हो जाता बहुत ज़्यादा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता, ठीक है। अब इसकी वजह से करंट कुछ ना कुछ चलेगा, समझ में आया कि इस केस में अगर ये ना होता तो करंट कितना चलता, इनफाइनाइट चलता, करंट इनफाइनाइट चलता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस केस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट है, डायरेक्ट ही जुड़ जाते हैं, पूरी एक दो वायर हैं जिसका रेजिस्टेंस ही नहीं है, डायरेक्ट जुड़ोगे तो शॉर्ट सर्किट होगा ही, बैटरी के दोनों वायर डायरेक्ट जुड़ दो तो शॉर्ट सर्किट होगा। अब मान लो कि फ़ोन का चार्जर है, अब मान लो अडप्टर ना हो बीच में, वायर निकाल के डायरेक्ट जोड़ो आप और फ़ोन के साथ कनेक्ट करो, जल जाएगा वो अडप्टर, क्या करता है कम वोल्टेज उसके अक्रॉस सप्लाई करता है, फ़ोन को तो चाहिए 10-15 वोल्ट, वो क्या करता है उसमें भी रेक्टिफायर डायोड यूज़ किया जाता है उस अडप्टर में, ठीक है, ताकि वो क्या करे कम वोल्टेज उसको दे दे। डायरेक्ट जोड़ोगे तो फट जाएगा, काम ही 10-12 वोल्ट पे कर रहा है, 5-6 वोल्ट या 10 वोल्ट पे, और डायरेक्ट आप 220 दे रहे हो, तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, इसके अक्रॉस 20 है, यहाँ पे कितनी कर रखी है 100, तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 80, इसके अक्रॉस 80 तभी हो सकती है जब बैटरी कितना करंट चलाए 8 एम्पियर का, तो कितना आंसर आएगा इसका 8 एम्पियर, कि इस लूप में कितना करंट चलेगा 8 एम्पियर का करंट चलेगा, है क्या समझो, आए क्वेश्चन समझो, यानी कि मत समझना कि ब्रेकडाउन वोल्टेज 1000 ही होगी, इसकी 20 कर रखी है फिक्स, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके अक्रॉस 20 ही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी, आप चाहे यहाँ पे कितनी कर लो, आप यहाँ पे 200 कर दोगे तो इसकी 20 ही रहेगी, ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, तो दूसरा करंट चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ कितने चलेंगे, कितना करंट चलेगा, फाइव, इसके अक्रॉस 40 है तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 160, इसके अक्रॉस 160 हो जाएगी, तो करंट कितना चलेगा 4 एम्पियर का, कितना करंट चलेगा 4 एम्पियर का, आगे समझो इसमें बताओ, इसके अक्रॉस 30 तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 10, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R 10/50 यानी कि 1/5 0.2, इतना करंट चलेगा। अब देखो ये उसको ध्यान से सुनना, ये सेम मान लो कि इस रेजिस्टेंस की जगह क्या जुड़ा हुआ है, टीवी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या जोड़ दिया जीना डायोड, इसके अक्रॉस 120 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। अगर मान लो कि ये रेजिस्टेंस ना होता तो करंट इनफाइनाइट चलता, फिर तो करंट क्या चलता फिर किस केस में इनफाइनाइट। अब देखो इसके अक्रॉस 120 है, इसके इस लूप को भूल जाओ एक बार, मैम अगर इसके अक्रॉस 400 है तो उसके अक्रॉस 120, इसकी तो है ही ब्रेकडाउन वोल्टेज 120 दे रखी है इसकी, तो जीना डायोड है ये, तो फिर इसका 120 यूनिट पैरेलल में है किसका, जीना डायोड की, फिर इस केस में तो इनका भी पैरेलल, ये यहाँ पे जोड़ दो इसको, ये एक पूरा लूप है, अच्छा एक पूरा लूप है, इस लूप में ये अकेला ही थोड़ी ना जुड़ा हुआ है, जरूर जुड़ना है इसके अक्रॉस, तो इसके एक ये पैरेलल में तो एक ये भी तो है, ये तो जीना डायोड, इसकी ब्रेकडाउन इससे 120 से ज्यादा नहीं होगी इसकी, हाँ इसकी तो 120 से कम ज्यादा होगी नहीं, इसकी तो फिक्स कर दी ब्रेकडाउन वोल्टेज ही दे दी 120,
तो इसकी तो क्या होगी, फिक्स कर दी इसने, तो इस केस में ये करंट चलाएगी, चाहे केवीएल लगा दो इस केस में, तो इसके अक्रॉस ये कितने 400 आ जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस करके मान लो इसके करंट कितना चलेगा, मान लो आई का करंट चला रहा है, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ये क्या कर दो प्लस माइनस, ठीक है, तो कितना इस लूप को लोगे तो कितना आ जाएगा करंट, ऐसे जाएगा तो प्लस माइनस। इस केस में रख लो एक बार, जनरली करंट ऐसे करने तो प्लस, इसको माइनस, हम ऐसे साइन दे रहे हैं कि यहाँ पे डायोड के एक जिनर रेजिस्टेंस लगाओ मान लो, तो क्या आ जाएगा इसके में, प्लस का 400 माइनस का 10i और ये क्या हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 400 में से माइनस 120 280 माइनस 10i इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो 10i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280 डिवाइड बाय में, यानी कि i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280 डिवाइड बाय में 10, यानी कि 28। तो इसमें से करंट कितना चलेगा 28 का, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी 280 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 280। तो इसके अगर हम उसको जो पॉजिटिव साइड है पी टाइप वाली उसको पॉजिटिव लें और इसको एन टाइप वाले को नेगेटिव, तो गलत हो जाएगा क्या जो है। जनरली आप वैसे कर लो, इसके अक्रॉस 120 है, इसके अक्रॉस भी 120 हो गई, ठीक है, तो इन दोनों का नेट तो 120 ही आएगा, तो बाकी क्या होगी इसके भी अक्रॉस होगी। अब इस तरीके से अगर वहां पे हम साइन पलट दे तो गलत हो जाएगा। किस में साइन पलट दो, जिनर डायोड में हम साइंस कैसे रखते हैं। जनरली मैंने तो ऐसे ही मान लिया कि इसको रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट गया, ये प्लस में माइनस, जहाँ से करंट एंटर करता है वो प्लस, जहाँ से बाहर निकलता है वो माइनस, कितनी हाँ इसमें देखो इसके अक्रॉस कितना आइडियल डायोड है, तो उसको तो हम ऐसे लेते हैं ना, जो पी साइड है उसको पॉजिटिव और जो एन साइड है उसको नेगेटिव। हाँ ऐसे भी लिखते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है ना, ये पॉजिटिव के साथ नहीं जुड़ी हुई है, अगर ऐसे जुड़ते हो तो आप इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, इस पे नेगेटिव नहीं आएगा, रिवर्स बायस नहीं है, ये रिवर्स बायस नहीं है क्या, हमेशा के लिए पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा ना लेते हैं, फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव उस पर आता है उस पर नेगेटिव, पी टाइप को क्या बोलते हैं पॉजिटिव उसको नेगेटिव, अगर बैटरी है रिवर्स में जुड़ गई तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसके अक्रॉस कितनी होगी 280 वोल्ट, कितना करंट चला 28, अब इसके अक्रॉस भी कितनी होगी 120 होगी कि नहीं, और वो तभी हो सकती है जब इसमें करंट कितना जाए, रेजिस्टेंस 20 का करंट कितना जाना चाहिए 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर इसमें चल जाएगा, इसमें कितना चला जाएगा 28 में से 6 22 एम्पियर इसमें इसमें करंट होगा। तो टीवी के केस में भी यही होता है कि उसके यानी कि जिनर डायोड जोड़ दिया इसके अक्रॉस 120 है, टीवी इसके पैरेलल में जोड़ दिया, जो इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए वो बंद नहीं होती क्योंकि उसके अक्रॉस फिक्स होगी 120 वोल्ट, समझ में आ गया। तो वोल्टेज कम भी करोगे तो भी ये चलता रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स है 120, समझ में आ गया। तो यानी कि सेम इसमें, इसमें कितना करंट चलेगा 28 का, इसमें 6 चला जाएगा, इसमें 22 और इसमें नेट फिर दोबारा एंटर कर जाएगा कितना 28 एम्पीयर, आया समझिए। इसमें बता दो कितना करंट चलेगा, सिक्स एम्पीयर, इसमें क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी, एक बार इस को ले लो, इसके 40 है तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 160, इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी, इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी 40 वोल्ट, तो करंट कितना चल पड़ेगा 6, इसके अक्रॉस 160 है, 160 डिवाइड बाय 40 4 एम्पियर चलेगा, तो इसमें 4 एम्पियर करंट जाएगा, तो यहाँ से यानी कि बैटरी में से 4 एम्पियर का करंट निकलेगा, तो इसमें कितना करना है 40, तो इसमें कितना चला जाएगा 1 एम्पियर और इसमें 3 एम्पियर, आगे समझ। तो यानी कि जिनर डायोड के केस में एक जिनर डायोड ऐसा है कि आप किसी को उसके पैरेलल जोड़ेगी उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बेसिकली 120 होती है उसकी, तो जितनी उसकी कर दी उसके पैरेलल में जो जुड़ा होगा उसकी भी कितनी हो जाएगी उतनी ही हो जाएगी, तो यानी कि ये क्या करेगा इसमें उतना ही करंट जाएगा जिसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितनी रह जाए 40 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज कम भी कर दो इसमें तो करंट उतना ही जाना है क्योंकि इसके अक्रॉस तो क्या रखनी है हमें 40, तो एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसके पैरेलल में जोड़ के वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रही इस केस में,
तो उसकी अग्रोस फिक्स रह रही है 40 वोल्ट। ठीक है, इसमें बता दो। फोर, इसके अक्रॉस 20, इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 80, तो कितना करंट चलाएगा 4 एम्पियर का, तो इसके अक्रॉस भी कितनी होनी चाहिए 20 वोल्ट, कितना करंट जाएगा 2 एम्पियर इसमें और 2 इसमें। अब देखो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स विच गिव पर्टिकुलर आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर इनपुट्स। कि इस केस में मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो दो वायर्स हैं, ऐसे दो वायर जा रही हैं, ठीक है, इसमें मान लो लो वोल्टेज है, इसके में क्या है हाई वोल्टेज, इस वायर के अक्रॉस ये क्या है लो वोल्टेज और इसमें क्या है हाई वोल्टेज, और यहाँ पे आगे को एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिया जिसको क्या चाहिए हाई वोल्टेज चाहिए, उसको क्या चाहिए हाई वोल्टेज। इसमें थी साइंटिस्ट लोगों ने इसको मान लो ये लो वोल्टेज पे है ये वायर और ये क्या है हाई वोल्टेज, तो बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखने के लिए उन्होंने शॉर्ट दे दिया, लो वोल्टेज का मतलब 0 लिख दोगे और हाई वोल्टेज का मतलब 1, ठीक है, कहीं पे भी हाई वोल्टेज मतलब 1, लो वोल्टेज मतलब 0, ठीक है। तो इसमें इसको क्या चाहिए थी, मान लो हाई वोल्टेज चाहिए थी, इसको क्या चाहिए थी हाई वोल्टेज, तो उस केस में कन्फ्यूजन एक में लो है एक में हाई है, तो बीच में कुछ ऐसे यानी कि लॉजिक गेट्स को से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जोड़े जाते हैं, बीच में क्या जोड़ दिया यहाँ पे एक लॉजिक गेट और उससे ये जोड़ दिया, तो ये क्या सोच समझ के ऐसे भेजेगा इसको हाई चाहिए, तो एक ऐसा गेट जोड़ दिया जो कि इसको क्या दे देगा हाई दे देगा। मान लो आप कभी भी देख लो कि हम मान लो कि आप कैमरे के थ्रू भी कुछ मान लो कि लाइव वगैरह रहता है, तो बीच में कुछ एक जोड़ा जाता है कार्ड जोड़ा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे किस क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रही है, YouTube पे किस क्वालिटी में जानी है, तो वो बीच में वो कार्ड क्या करता है उसको क्वालिटी चेंज कर देता है, तो यानी कि बीच में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है ताकि जो पर्टिकुलर हैं उसको क्या मिल जाए, जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाए। तो उस केस में उन्होंने क्या ये गेट्स क्या हैं एक स्पेयर पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स हैं, जो कि क्योंकि आप कभी भी देखोगे इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतने सेंसिटिव पार्ट जुड़े होते हैं, किसी को कम वोल्टेज चाहिए, मान लो कैमरा खुद तो कितने पे काम करा होगा, मान लो 220 वोल्ट पे, उसके अंदर मान लो कि छोटे छोटे ऐसे स्पेयर पार्ट जुड़े होते हैं बहुत सारे, खोल के देखोगे तो दिखेंगे कि उसमें कितने छोटे छोटे स्पेयर पार्ट जुड़े हुए हैं, तो उनको तो कम वोल्टेज चाहिए, तो उस केस में उनको कम वोल्टेज कैसे मिले, मान लो कि ऐसा सेंसिटिव पार्ट होता है एक, अगर वो खराब हुए तो पूरा कैमरा खराब, तो उसको चाहिए क्या कम वोल्टेज, तो वो कैसे मिले, तो उस केस में उन्होंने क्या करा कि ये लॉजिक गेट्स यानी कि ऐसे बना दिया कि लॉजिक गेट्स क्या है कि उनके बीच में वो जोड़ दिया, तो दो वोल्टेज अगर मान लो हाई आ रही है तो उसको अगर लो चाहिए तो वो क्या कर देगा उन दोनों में कन्वर्ट करके उसको लो वोल्टेज देता है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स हैं विच गिव पर्टिकुलर आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर इनपुट, क्या आप आउटपुट दे रहे हो इनपुट आउट, उस केस में क्या आप उसको आउटपुट दे रहे हो, क्या उसमें इनपुट आ रहा है, यानी कि इनपुट आउटपुट एक चीज तरीके से मिलती है, देखा जाता है कि सामने वालों को क्या चाहिए, मान लो कोई ऐसा पार्ट जुड़ा हुआ है कि उसको क्या चाहिए, आप जैसे आप चार्जिंग करते हो तो बीच में आपने क्या जोड़ दिया अडैप्टर जोड़ दिया, तो अडैप्टर क्या काम करता है फोन को कम चाहिए तो उसको कम भेज दे रहा, आ तो पीछे से 220 ही है, आप डायरेक्ट प्लग में जोड़े तो 220 होगी, तो अडैप्टर क्या करता है उसको कम कर देता है, तो वो किस वजह से उसमें डायोड यानी कि लॉजिक डायोड लगे होते हैं, तो यानी कि जो पार्ट्स होते हैं और ये क्या बनते हैं जो ये लॉजिक गेट्स हैं इसमें क्या होते हैं कि कैपेसिटर इंडक्टर डायोड रेक्टिफायर ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो कि जो कि सारा मिलके कुछ इस तरीके से करते हैं कि हाई चाहिए तो हाई भेज देते हैं लो चाहिए तो लो भेज देते हैं, कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है इनको, ठीक है समझ में आ गया, यानी कि कैपेसिटर एकदम से करंट बढ़ने नहीं देता तो उसे इंडक्टर भी ऐसा ही काम करता है, डायोड से अगर जोड़ दिया तो वो क्या होगा मान लो रेज वाइज से तो कम ज़्यादा करंट भेज देगा, मान लो जिनने डायोड भेज दिया उसके पैरेलल में जोड़ दिया तो वो कम करंट भेजेगा, तो कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है कि देखा जाता है कि किस तरीके से उसमें जोड़ा गया कि इसको लो चाहिए कि हाई चाहिए इस पार्ट को, तो उस केस में किस कौन सा डायोड जोड़ना है किस तरीके से उनकी जोड़ने सर्किट्स को जोड़ना है ताकि वो कम वोल्टेज चाहिए तो कम दे दे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा दे दे ताकि पार्ट वो ख़राब ना हो, तो यानी कि एक छोटे छोटे जनरल रेगुलर हमारे यूज में लॉजिक गेट्स नहीं होते, जो पार्ट्स बनाते हैं मान लो जिसने कैमरा बनाया वो यूज करेगा, हम डायरेक्ट कोई भी लॉजिक गेट्स का हमारी रेगुलर लाइफ में कोई यूज नहीं है, ठीक है हमारे लिए हम कभी भी जाके नहीं कहेंगे कि लॉजिक गेट्स दे दो, ठीक है ना भी हम डायोड भी जाके कभी भी नहीं मांगते कि डायोड दे दो,
तो उस केस में वो तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इनका काम करता है उसी को चाहिए, मान लो कि जिसको कैमरा बनाना है या फिर कोई चीज़ अडेप्टर बना रहा है तो उसको ही चाहिए होता है लॉजिक गेट्स डायोड ये सब कुछ, ठीक है। हमारे जनरल रेगुलर यूज़ में उसका कोई यूज़ नहीं है कि आप जाके कहोगे कि लॉजिक गेट्स दे दो तो वो दे देगा, बट आपके यूज़ का नहीं है, आप उसको कैसे यूज़ करना है क्या करना है बट दे देगा वो आपको। तो इस केस में यानी कि समझ आ गया लॉजिक गेट्स क्या है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलर इनपुट डालने पे पर्टिकुलर आउटपुट देते हैं। कि इस केस में इस तरीके से होता है, लो वोल्टेज वाला तो हाई वोल्टेज है एक में, मान लो दोनों में लो लो है आगे हाई चाहिए, तो क्या इस तरीके से कुछ इस तरीके से कैपेसिटर इंडक्टर डायोड रेक्टिफायर जोड़ देते हैं ताकि हाई की क्या मिल जाए, हाई मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो गेट्स हैं जनरली इसमें क्या हो गया, तीन बेसिक गेट हैं, ये तीन क्या इसमें बेसिक गेट हैं, इसका नाम दे दिया और गेट, एंड गेट और नोट गेट। सिंबल याद रखने इसमें और गेट, एंड गेट और नोट गेट के सिंबल। और गेट का ऐसे यानी कि ऐसे करना है, ऐसे और ऐसे, ये और गेट का सिंबल होगा। एंड गेट में ऐसे बनाओगे, ऐसे और ऐसे, ये किसका है, ओड गेट का, एंड गेट का। और नैंड गेट में, नोट गेट में एक ही इनपुट होती है एक ही आउटपुट होती है, इनमें दो इनपुट हैं एक आउटपुट है, इसमें भी दो इनपुट एक आउटपुट है। इसमें मान लो 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 होगी तो पता नहीं यहाँ क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हाई लो होगी तो यहाँ क्या मिलेगी वो पढ़ेंगे हम सब कुछ। तो इस केस में नोट गेट में क्या होगी, एक ही इनपुट होती है और एक ही क्या होगी, आउटपुट होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में, और इसका क्वेश्चन आता ही आता है लॉजिक गेट्स का, हर बार दे देता है हर बार। और उसमें सिंपली बस आपको ये ध्यान रखना है सिंबल क्या था उसकी, एक होता है बुलियन एक्सप्रेशन, एक होती है इसकी ट्रूथ टेबल। मेन बुलियन एक्सप्रेशन आपको याद है और सिंबल आपको याद है कि ये कौन सिंबल ये दे दिया, मान लो तो ये बता दो किसका गेट है ये, एंड गेट। या फिर इसी में कुछ ऐसा कर दिया कि इसी को चेंज कर दिया भी, वो अभी भी एंड गेट की तरह कर रहा है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किसके, तो आपको इनपुट डाल के देखने पड़ेंगे, फिर इनपुट डाल के वो किस और गेट एंड गेट की तरह आ रही है कि नहीं आ रहे, तो वो भी क्या हो जाएगा, एंड गेट की तरह हो गया। तीन बेसिक गेट होंगे, और गेट, एंड गेट और नोट गेट। लो वोल्ट हाई वोल्टेज मतलब वन, लो वोल्टेज मतलब जीरो, वन से ज़्यादा नहीं होगी, जीरो से कम नहीं होगी इसमें, ठीक है। कहीं पे दो भी लिखा हुआ है तो हम उसको वन मानेंगे, मतलब हाई वोल्टेज है। अब देखो और गेट का, पहली बात तो इसका सिंबल माइंड में सेट कर लो, दो इनपुट्स हैं ऐसे और एक आउटपुट होगी, ठीक है। यानी कि ऐसे कहीं पे भी ड्रॉ करो सीधा आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ऐसे बनाना है। अगर कोई पूछे कि और गेट के बारे में बताओ तो आप सिंपल बता दो ऐसे है, उसके क्या बता दो, बुलियन एक्सप्रेशन बता दो, आपने सब कुछ बता दिया उसका। अब देखो सिंपल ये हो गया, एक होती है इसकी बुलियन एक्सप्रेशन जो यानी कि y इक्वल टू ए प्लस बी, जो आउटपुट निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है कि जिसके थ्रू हम ट्रूथ टेबल जनरेट कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल की क्या डालने पे क्या इनपुट मिलेगी। ट्रूथ टेबल का मतलब ये है कि हम लो लो डाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, लो मिल रहा है कि हाई मिलेगा, हम हाई हाई डाल रहे हैं तो हाई मिलेगा कि लो मिलेगा, लो हाई डाल रहे हैं तो क्या मिलेगा। अब देखो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी, ए दोनों क्या है, इनपुट्स हैं। अब आपने इसमें जीरो जीरो डाला, क्या डाला, जीरो जीरो, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जीरो। आपने डाला जीरो और वन, तो जीरो और वन क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वन। आपने डाला वन जीरो तो भाई क्या मिलेगा, वन जीरो, तो वन। हमने डाला वन वन तो वन 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 ही होगा इसमें, वन 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 ही होगा, ठीक है, दो नहीं होगा। मैंने कहा दो भी होगा तो उसको वन मान के चलते हैं, हाई का मतलब वन ही होगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि दे रहो जीरो जीरो डालने पे क्या मिला, जीरो, जीरो वन डालने पे वन, वन 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 जीरो डालने पे वन, वन वन डालने पे वन। तो ऐसे याद रखना, जीरो जीरो डाला तो जीरो, जीरो वन तो वन, वन जीरो तो वन, जीरो वन वन तो वन। और ये क्या होगी इसकी ट्रूथ टेबल। कहीं पे ये लिखा तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि जीरो जीरो डालने पे जीरो आता है, जीरो और वन डालने पे वन आता है, वन जीरो डालने पे वन, वन वन डालने पे वन आता है, तो मतलब और गेट की बात हो रही है, ठीक है। इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी सारे इससे जनरेट कर सकते हो आप, ये मेन है, ठीक है। आपको ये पता है बुलियन एक्सप्रेशन तो ट्रूथ टेबल तुरंत बन जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा है आपको बुलियन एक्सप्रेशन, ये है एंड गेट की, एंड गेट की बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इस केस में आपने इसमें मान लो जीरो जीरो डाला तो जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। आपने इसमें वन जीरो डाला तो वन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो वन डाला तो क्या हो जाएगा, जीरो। वन वन डाला तो वन। उसमें उल्टा था, उसमें जीरो जीरो डालने पे जीरो मिल रहा था, वन जीरो डालने पे वन, जीरो वन डालने पे वन, वन वन डालने पे वन। इसमें बस एक में ही वन वन डालने पे ही वन मिलेगा,
कि मल्टीप्लाई है ए डॉट बी, तो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो डालने पे जीरो, जीरो वन डालने पे जीरो, वन जीरो डालने पे जीरो, वन वन डालने पे वन, ठीक है। और गेट में क्या था उसका, क्या होती है ट्रूथ, उसकी बिलियन एक्सप्रेशन क्या होती है एस बी, तो जीरो जीरो डालने पे क्या मिलेगा, वन, यानी कि हाई वोल्टेज, वन का मतलब हाई, जीरो का मतलब लो। एंड गेट के बुलियन एक्सप्रेशन ए इनटू बी इक्वल टू वाई, तो यानी कि जीरो जीरो डालने पे जीरो, वन जीरो डालने पे जीरो, जीरो वन डालने पे भी जीरो, और वन वन डालने पे वन, ठीक है। नॉट गेट में देखो, अब यहाँ पे जीरो डालोगे तो ये जो नोट लिखा हुआ है ये इसको उल्टा कर देगा, वन मिलेगा। इस बार का मतलब है रिवर्स कर देगा, जीरो पे बार लगा मतलब वन, वन पे बार लगा मतलब जीरो, ठीक है। बार का मतलब क्या कर देगा, ये रेसिप्रोकल करके देगा, जीरो है तो वन, रिवर्स करके देगा, वन डालोगे तो जीरो, इसमें बस दो ही होते हैं, जीरो डालोगे तो वन, वन डालोगे तो जीरो, ठीक है। तो एक इस क्या है नोट गेट, वाई इक्वल टू ए बार, एक इनपुट होती है एक ही आउटपुट होती है इसमें, ठीक है। तीन है बेसिक गेट कि जिसमें एंड गेट, और गेट, एंड गेट और नोट गेट। तो इस केस में ए जीरो डालोगे तो वन, वन डालोगे तो जीरो, सिंपल इस केस में, तो रिवर्स करके देते हैं। अब देखो ये एक है नोर गेट, ये क्या है नोर गेट, यानी कि बेसिक गेट तीन थे, अब उन तीनों में नोट और को मिला दो क्या बन जाएगा, एक नया गेट बना दिया नोर गेट, किसको मिला दो नोट और को, यानी कि नो इसमें जोड़ा भी इस तरीके से जाता है कि नोट की इनपुट के साथ आउट, इनपुट के साथ क्या जोड़ोगे और की आउटपुट, नोट की इनपुट के साथ क्या जोड़ोगे नोर की आउट, और की आउटपुट। तो यानी कि व्हेन आउटपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टेड विद इनपुट ऑफ नोट गेट, देन गेट इज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नोर गेट, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पे इसकी बुलियन एक्सप्रेशन, नोट आ गया ना लास्ट में तो बार तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी ऊपर बार, और गेट था ए प्लस बी, और गेट में ए प्लस बी, तो उसके ऊपर क्या लगाना है बार लगाना है, वो नोर गेट बन जाएगा। तो अब इस केस में जीरो जीरो, तो ये क्या कर देगा और गेट जीरो कर देगा, और ये क्या कर देगा वन, ये क्या कर देगा उसको वन, वन जीरो डालोगे तो ये क्या कर देगा जीरो, ये वन, और ये क्या कर देगा उसको जीरो, इसमें जीरो वन डालोगे तो ये क्या कर देगा वन, और ये जीरो, इसमें वन वन डालोगे तो ये वन, और ये क्या कर देगा जीरो। देखो उल्टा है, एंड गेट में क्या था जीरो जीरो डालने पे जीरो, जीरो वन डालने पे भी जीरो, जीरो वन डालने, वन जीरो डालने पे भी जीरो आ रहा था, वन वन डालने पे क्या आ रहा था जीरो, उल्टा है। देखो इसमें वन वन डालने पे क्या बार आएगा, इसमें वन वन डालने पे जीरो आ रहा है, जीरो जीरो डालने पे क्या आ रहा है वन, उसमें क्या था जीरो जीरो डालने पे जीरो ही आ रहा था, और वन वन डालने पे क्या आ रहा था वन, उल्टा है नोर गेट का और एंड गेट का। नोर गेट में यही थी कि जीरो जीरो डालोगे तो जीरो, जीरो वन डालोगे तो जीरो, वन जीरो डालोगे तो जीरो, वन वन डालने पे वन आ रहा था, इसमें जीरो जीरो डालने पे वन आएगा। वैसे बन जाएगा, बस सिंबल ध्यान रखना है इसका, कई बार सिंबल बना के तो देता है, ये सिंबल दे दिया, ये शॉर्ट सिंबल है उसी का, इसमें यहाँ पे जो डालोगे उसका उल्टा करके मिल जाएगा। देखो जीरो जीरो डालो, ये क्या कर देगा उसका जीरो, ये क्या कर देगा वन, ठीक है। ये शॉर्ट सिंबल भी याद रखो आप, तो यानी कि नोर गेट में क्या हो जाएगा, नोट और गेट मिलके क्या बनाते हैं नोर गेट, पहले और गेट होगा फिर नोट होगा, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी पूरे पे बार आ गया, समझ। अब नैंड गेट जो है वो एक यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट क्या है यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि इसका यूज करके हम नोट गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, नैंड गेट भी बना सकते हैं, तो इसलिए क्या है क्वेश्चन आ चुका कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो नैंड गेट की जो है वो क्या है यूनिवर्सल गेट है। देखो तो इसमें पहले पढ़ लो, नैंड गेट पहले वाला तो क्या था नोर गेट, नैंड गेट में किस किस से मिलकर बना होगा ये एंड से और नोट से, एंड से और नोट से, पहले एंड और फिर नोट, तो इस केस में पहले एंड और फिर नोट, जो एंड गेट की थी बुलियन एक्सप्रेशन उसका रिवर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगी उस केस में, तो ये जीरो 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 आ रहा था, तो ये क्या आ जाएगी वन वन वन, और ये लास्ट वाला जीरो, यही था उसमें, ये जीरो था, ये भी क्या था जीरो, ये जीरो, ये क्या था वन, इसमें रिवर्स करना है इसको जीरो, इनको वन वन वन, तो यानी कि इसमें जीरो जीरो डालोगे तो ये क्या कर देगा जीरो ही, ये क्या कर देगा इसका वन, जीरो वन डालोगे तो ये जीरो कर देगा, ये क्या कर देगा वन, इसमें वन जीरो डालोगे तो ये जीरो, ये क्या कर देगा इसको वन, और वन वन डालोगे तो ये वन, और ये क्या कर देगा जीरो। तो ए डॉट बी इस पूरे पे बार क्या बन जाएगा नैंड गेट, ए डॉट बी इस पूरे पे बार,
और जो नैंड गेट है वो यूनिवर्सल गेट है. नैंड गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट है. क्यों? क्योंकि इसी का यूज़ करके हम एंड गेट बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं और गेट बना सकते हैं. इसी का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं? बेसिक तीनों गेट्स बना सकते हैं, और एंड और नॉट. नैंड गेट का यूज़ करके हम बेसिक तीनों गेट बना सकते हैं, ठीक है. तो हमें नैंड गेट का यूज करके अगर नॉट गेट बनाना है तो क्या कर दो? इस केस में नैंड गेट क्या था हमारे पास? नैंड गेट क्या था? ऐसे ऐसे था. तो इस केस में इस तरीके से दो इनपुट डाल के एक आउटपुट मिल रही. नॉट गेट में तो क्या, एक इनपुट एक आउटपुट. तो इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो. अगर मान लो ऐसे दो वायर कन्वर्ट होंगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी इसमें और इसमें वही जाएगी. यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसमें आज जीरो है तो इसमें भी जीरो जाएगी, इसमें भी जीरो. यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, क्योंकि यही दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. तो इसमें हाई वोल्टेज है तो इन दोनों में भी हाई हाई होगी, इसमें लो है तो इन दोनों में भी क्या होगी? लो. बस इनको क्या कर देना है? जोड़ देना है बस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या डालो? मान लो आप जीरो डाला आपने, तो यहाँ पे जीरो जीरो ये क्या कर देगा? एंड गेट. एंड गेट क्या करेगा? जीरो जीरो को जीरो, और नोट क्या कर दे इसको? वन. तो जीरो जीरो डालने, जीरो डालने पे क्या आ गया? वन आ गया. और सेम इसमें वन डाला आपने यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा? वन वन, इधर वन वन जाएंगे, इनपुट एक ही है ये ध्यान रखना. तो वन डालने पे ये क्या कर देगा? इसको वन, और ये नोट क्या कर देगा? जीरो. तो बन गया. यानी कि नैंड अगर नैंड गेट से नोट गेट बनाए तो कितने नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे? तो आप कहोगे एक ही नैंड गेट यूज करने हैं, उसमें दोनों को जोड़ देना लास्ट में, वाई को एक इनपुट एक आउटपुट बना देने हैं. सिंबल ये होगा इसका, ठीक है. नेक्स्ट क्या है इसमें कि नैंड गेट का यूज करके हम एंड गेट कैसे बनाए? दो नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे आपको. क्या यूज करने पड़ेंगे? दो नैंड गेट. तो उसका दो नैंड गेट आप यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? वो एंड गेट बन जाएगा. तो इस केस में यहाँ पे मान लो जीरो जीरो डाला तो ये क्या करेगा? उसको जीरो, और नॉट क्या कर देगा? वन. तो यहाँ पे भी वन वन, तो ये वन वन, ये वन कर देगा, ये क्या कर देगा? इसको जीरो. तो जीरो जीरो डालने पे क्या बार आया? जीरो. और ऐसा ही था एंड गेट में भी. इसमें वन जीरो डालो तो ये क्या कर देगा? जीरो. और ये क्या कर देगा? उसको वन. यहाँ वन वन, ये क्या कर देगा? वन. और ये क्या आ जाएगी बाहर? जीरो. तो यानी कि जीरो जीरो डालने पे जीरो, जीरो वन डालने पे जीरो, वन जीरो डालने पे जीरो, वन वन डालने पे वन. तो दो अगर नैंड गेट का यूज करके एंड गेट बनाना है तो दो नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है. कितने नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे? दो. ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट. अगर नैंड गेट का यूज करके और गेट बनाना है तो तीन नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे आपको. कितने यूज करने पड़ेंगे? तीन. और वो इसी तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए, दो, एक ऊपर एक इधर एक इधर. तो अभी इस केस में देखो, जीरो डालोगे तो यहाँ पे जीरो जीरो, ये क्या कर देगा? उसका जीरो. नैंड क्या करेगा? वन. ये भी क्या कर देगा? वन. यहाँ वन वन, ये क्या करेगा? वन. और ये क्या कर देगा? जीरो. तो क्या डाला? जीरो जीरो डाल के क्या है बाहर? जीरो. तो इस केस में वन वन जीरो वन डालो, जीरो वन अगर डालोगे तो यहाँ पे जीरो और ये वन, तो ये क्या कर देगा? इसको जीरो. ये क्या कर देगा? वन. ये क्या करेगा? वन को जीरो, ये वन कर देगा, ये क्या आ जाएगा बाहर? जीरो. यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, तो ये क्या करेगा? जीरो. और ये क्या कर देगा? वन. तो जी वन जीरो वन, जीरो वन डालने पे वन, वन जीरो वन, वन वन वन, ठीक है. तो तीन नैंड गेट का यूज करके हम और गेट बना सकते हैं. अब देखो इसमें कई बार क्या देता है कि दो वेव्स आ रही हैं. क्या आ रही हैं? दो वेव्स आ रही हैं. अगर ऊपर है तो इसका मतलब वन, और नीचे तो इसका मतलब क्या है? जीरो. ये मतलब लो वोल्टेज, ये किस पे है? हाई वोल्टेज. दो वेव कुछ इस तरीके से आ रही हैं, आपको वो दो वेव दे रखी है, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा? जीरो. ये वन वन, और ये जीरो, ये जीरो. इसमें क्या आएगा? वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन. अब इन दोनों वेव्स को और गेट से गुजार दिया जाए तो आउटपुट्स क्या होंगी? इन दोनों को किससे गुजार दिया जाए? और गेट से. तो आउटपुट कैसे, ग्राफ कैसे बनेगा? तो और वन वन को और क्या करता है? और गेट वन ही करता है. बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है इसकी? ये और गेट है तो ये वन वन का क्या करेगा? वन ही करेगा.
यहाँ पे ऊपर ही बनाओगे, जीरो जीरो को क्या कर देगा, जीरो ऐसे, तो जीरो वन का ऐसे, वन जीरो का, वन वन का, जीरो जीरो का और वन जीरो का, ऐसे बनेगा। अगर इसी को एंड गेट से गुजार दे तो क्या बनेगा, क्या होगी इसकी बुलियन एक्सप्रेशन? तो वन वन का क्या करेगा, वन, जीरो जीरो का, जीरो, जीरो वन का, वन जीरो का, वन जीरो का, वन वन का, जीरो जीरो का, जीरो वन का, जीरो, ऐसे बनेगी इसकी। ठीक है, तो सिंपल याद रखना बहुत जरूरी है। और गेट मतलब पहला ही है और गेट, ए प्लस बी। एंड गेट, एंड आ गया ना, एंड मतलब और मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ए डॉट बी। नॉट गेट में तो सीधा ही है ए पे बार। अब देखो एक होता है एक्सोर गेट, जिसमें एक्सोर गेट में दो नॉट गेट, दो नो एंड गेट और एक और गेट, और वो इसी तरीके से जोड़ने हैं। दो नॉट गेट, दो एंड गेट और एक और गेट। देखो मान लो कि ऐसे बनाए तो कैसे बनाए, आप ऐसे सोचो इसको, पहले तो यहाँ पे दो ऊपर बना लो, एक नोट बना लिया ऊपर, फिर एक सीधा क्या बना लिया यहाँ पे, एंड बना लिया ऐसे। ठीक है, इससे यहाँ पे ऐसे आउटपुट निकाल दो। ठीक है, फिर नीचे सेम यहाँ पे एक एंड गेट बना लो, नोट गेट बना लो, फिर उसको सीधा ले जाओ ऐसे, फिर ऐसे कर दिया। अब देखो दो होती है ना इसकी, तो वो दो ऊपर से ऐसे आएंगे, और इसकी भी दो होती है ना वो ऐसे जाएंगे, और इन दोनों का यहाँ पे और गेट। ठीक है, तो खुद ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे आपको। इसका शॉर्ट सिंबल ये है, बुलियन एक्सप्रेशन तो उसी से निकलेगी, इससे नहीं निकलेगी, ये ट्रुथ टेबल तो वो याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट सिंबल से काम नहीं चलेगा। अब देखो इससे ये याद रख लो आपको, ये मेन है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब इससे अब कैसे निकालो, ए जीरो जीरो डालो, मान लो जीरो जीरो डाला अपने सब में, तो ये जीरो डॉट ये क्या करेगा, बी का क्या हो जाएगा, वन, बी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो जीरो वन क्या हो गया, जीरो, ये क्या कर देगा, जीरो का डाला तो वन, और ये क्या होगा जीरो, तो जीरो जीरो का क्या कर देगा, जीरो, तो बाहर क्या आया, जीरो। देखो जीरो बाहर लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, वन, ये क्या है बाहर जीरो लगा तो वन, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या होगा जीरो, और ये क्या होगा जीरो, तो बाहर क्या निकलेगा, जीरो। समझ आ गया? चाहिए यहाँ पे डाल के देख लो, यहाँ पे जीरो डाला मान लो, यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, जीरो, यहाँ पे भी क्या होगा जीरो, ये क्या कर देगा वन, ये भी क्या कर देगा वन, तो वन वन ये क्या आएगा बार जीरो, और ये क्या आएगा, और ये क्या कर देगा जीरो, जीरो। समझ, यानी कि इसी से निकालनी है, इससे ए डो ए डॉट बी पे बार प्लस ए पे बार प्लस डॉट बी। अब सेम एक है एक्सनोर गेट, इसमें जो पीछे लिखा था आपने ए डॉट ए बी पे बार प्लस ए पे बार डॉट बी पे, और फिर पूरे पे बार है, फिर पूरे पे क्या है बार, वो क्या हो जाएगा एक्सनोर गेट। तो यहाँ पे जीरो डाला तो ये क्या हो जाएगा, जीरो डालोगे तो वन प्लस में, ये जीरो जीरो डाले तो ये क्या हो जाएगा वन, और ये क्या होगा जीरो, और पूरे पे बार है, ये क्या करेगा इसका जीरो प्लस, ये क्या कर देगा जीरो, और पूरे पे बार है तो क्या हो जाएगा वन, तो जीरो जीरो डालने पे वन। आगे समझ, ये करके दिखा दो लास्ट वाला ऐसे ही, बताओ। मान लो वन वन है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों की क्या है वन वन, तो क्या होगा ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो पूरे का बार जीरो बार वन। आगे समझ, देखो इसमें उल्टा है, इसमें जीरो जीरो डालने पे वन आ रहा है ना, और वन वन डालने पे वन, तो वन जीरो जीरो वन, और इसमें देखो जीरो वन वन जीरो, इसमें है जीरो वन वन जीरो, इसमें है वन जीरो जीरो वन, दोनों में ये फर्क है। कोई डाउट इसमें? श्योर, तो ये आपको याद होने चाहिए।